मार सका, ना अयोध्या मार सकी, ना मिथिला मार सकी। अब उनको राम जी मार के आ रहे हैं, इनके पराक्रम की कोई था है मार? विजय मिल चुकी है, सीता इनकी है, कीर्ति के चाहने से मिलती नहीं है महाराज। फिर कारण राम जी के लिए पर्याप्त नहीं, राम जी के लिए धनुष तोड़ने के लिए कारण पर्याप्त नहीं, राम जी के लिए कोई नया कारण बनना चाहिए। और जब तक वो कारण आएगा नहीं तब तक राम जी धनुष तोड़ेंगे नहीं। अब कारण आ गया, क्या कारण आ गया? महर्षि प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़ी चौकन्नी दृष्टि से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर एक वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। अब कारण आ गया, जनक जी ने घोषणा की कि सुकृत जाए जो प्रण परिहरऊ, कुंवर कुंवर रहे का करऊ, तजे वास निज निज गृह जाहू, लिखान विधि वैदेही विवाहु। महर्षि पुलकित हो गए, रघुनंदन तुम्हारे धनुष तोड़ने का कारण अब आ गया है। तुम कुंवर मनोहर के लिए मत उठो, विजय बड़ के लिए मत उठो, कमनीय कीर्ति के लिए मत उठो, तब क्यों उठो कि दुनिया में एक प्रमाणित कर दो कि जो व्यक्ति अपने प्रण पर अडिग रहता है उसके प्रण की रक्षा भगवान राम करते हैं। ये कारण है, तुम्हारे धनुष तोड़ने का कारण अब तैयार हुआ है। उठो, देखिए लिखा है, उठो राम भंजे उभो चापा, क्यों? आप लोग बताइए, ये लिखा है कि नहीं लिखा? उठो राम भंजे उभो चापा, सीता जी के लिए नहीं, उठो राम भंजे उभो चापा, मेटो तात जनक परिताप, जनक के कष्ट को दूर कर दो रघुनंदन, दुनिया में एक मर्यादा स्थापित कर दो। करे दुनिया वालों, अगर आप अपने प्रण पर अडिग हैं, गालियां सुनकर के भी अडिग हैं, हां गालियां, जनक की प्रजा कह रही है जनक मूर्ख हो गया है, हां नहीं, हर वेद जनक जरताई, मति हमारी अस देव सुहाई, बिन विचार पंतज नर नाहू, सीय राम कर करे। लेकिन जनक कहते हैं नहीं, पत्नी कह रही है, कौन बुझाए कहे नृप पाही, ये बालक अस हठबल नहीं। कहां तक कहेंगे, सुनो तो। हाँ जी, सीर कहे अब पधारो आप महाराज जी, श्री राम जी महाराज उठे, क्या कहें महाराज, एक एक चौपाई जो है खींच रही है मेरी, है ना, कहते मुझको कहते चलो, मुझको कहते चलो, हम क्या करें, क्षमा करो बीवी। मुझे सियाराम ठार भये, उठ सहज सुहाए। मैंने जिंदगी भर रामचरित मानस की कथा कही बोला, ये 20 वर्ष में लोगों ने हमको भागवती समझ लिया, हम तो भागवत साल में कहीं दो एक कहते थे, इसके बाद में दो एक भागवत, दो एक वाल्मीकि रामायण, कोई बहुत नाक रगड़ता था तब, नहीं तो मैं तो रामचरित मानस की कथा एक घंटा कहता था। मेरे सैकड़ों श्रोता यहाँ बैठे, पूछ लो सबसे, क्यों भाई सही है कि नहीं, हाँ एक घंटा के ऊपर 61वां मिनट नहीं, बोलो है क्या याद है आप लोग? मैं तो रामचरित मानस की जिंदगी भर कथा कहूँ, मेरा रामचरित मानस की तो हर चौपाइयां मुझे खींचती, मैं क्या करूं। और हमारे मांझी महाराज ने हमको रामचरित मानस कहने के लिए कह दिया, अब क्या बताऊं, सबसे कठिन यही है हमारे, सबसे कठिन ये है। लेकिन चलो अब तो चल रही है, तो ठार भय झांकी देखे, ठार भय उठ सहज सुहाए, ठवन जुआ मृगराज लजाए। जरा चलना देखें, झूमते हुए वो जो पहले गए थे धनुष तोड़ने के लिए, उनका चलना देखा था कि नहीं देखा? परिकर बाल उठे बुलाई, चले चले के जाके, तब कार्तिक सिंह धमका रही, कब पहुंचे बदमाश कोई पता ही नहीं पाया, समझे कोई समझे, लिखे नहीं पहुंचे, क्योंकि देखा ही नहीं क्या लिखे। देखो चलना देखिए, सहज ही चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी, कैसे मनहु मत
कुंजर वरगामी, झूमते हुए चले जानो मतवाला, गजराज आ रहा। प्रभु आप झूम के चले, हमने नहीं देखा, लेकिन धन्य है गोस्वामी जी महाराज, उनकी लेखनी से पढ़ के हम झूम जाते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत कुंजर वरगामी। चले महाराज, और बीच में श्री सुनेना जी का, श्री किशोरी जी का की बात है, वो हम आपको सुना चुके, पहले सुना चुके। अब पहुंच गए महाराज, भगवान धनुष मंच पर पहुंच गए और किशोरी जी भगवान का दर्शन कर रही। प्रभु ही चिते पुनि चितव मही, बड़ा विलक्षण दर्शन है, मुझे दुख है कि मैं इसकी खाली पाठ कर पाऊंगा। प्रभु ही चिते पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। प्रभु ही चिते पुनि चितव मही, भगवान देखती हैं, फिर मालूम पड़ता है तालाब में दो मछलियां खेल रही हैं। मालूम पड़ता है तालाब में दो मछलियां, ये तालाब है। किशोरी जी का मुखड़ा क्या है, मुखचंद क्या है, तालाब। और उस तालाब में ये जो पुतलियां है दोनों देखती है, फिर नीचे देखती है, फिर देखती, यही है मछलियां। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु को देखती है, फिर नीचे देखती है, नीचे की देखती है, बहुत करीब है महाराज। भगवान राम का स्वरूप ही नीचे मणिमय गच में दिखाई पड़ रहा है, तो यहां देख रही। प्रभु ही चिते पुनि चितव मही, अथवा भगवान को देखती है, इसकी पहले छपाई है, कहें क्या कि अब तो हम आप ही के ऊपर हैं। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, बाद में भगवान को देखा तो क्या, प्रभु अगर आप मुझको नहीं मिलोगे, आप मुझको नहीं मिलोगे तो मेरा सहारा ही पृथ्वी है, मैं इसी में जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। रुक्मिणी का पत्र पढ़ लें, वहां से प्रेरणा है। तीसरा भाव, माता पृथ्वी से कहती, पृथ्वी मैया तू मेरी जननी है, तू मेरी उत्पादयित्री है, अब तक तूने धनुष को पकड़ रखा था, अब अपने जामाता को देख करके इस धनुष को छोड़ दे मैया, है ना। प्रभु ही चिते पुनि चितव मही, ऐसे आराम। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि भगवान राम धनुष तोड़ना चाहते हैं, प्रलय हो जाएगा, क्या करें। लखन लखो रघुवंश मनी, ताक्यो हर को दंड पुलकी गात, बोले बचन शरण चापी ब्रह्मंड। अरे दिशाओं के हाथियों, अरे कमठ, तुम लोग शेष सब लोग इस पृथ्वी को अच्छी तरह पकड़े रहो। दिसी कुंज रहु कमठ अही कोला, धरहु धीर धरी धरनिन डोला, राम चहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी। हाँ जी, लक्ष्मण जी महाराज ने सावधान किया, राम जी महाराज धनुष मंच पर गए और धनुष मंच पर जाकर के देखा श्री जनकनंदिनी को। भगवान ने सोचा एक क्षण का विलंब श्री जानकी का प्राण ले सकता है। फिर गुरु ही प्रणाम, गुरु का महत्व देखें, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अवति लाघव उठाए धनु लीना। कोई देखी नहीं, ओ उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा
देखी सब ठाढ़ी अत्यही छन राम मध्य धन तोरा। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और महाराज चारों तरफ आवाज आ गई, चारों तरफ धनुष से एक आवाज निकली, धनुष से ही आवाज निकली और चारों तरफ फैल गई महाराज कि क्या आवाज है। कोदंड खंड्यौ राम, कोदंड खंड्यौ राम, तुलसी जयति वचन उचारही। सारे सारे जगह जब चारों तरफ आवाज गई महाराज, हाँ, ब्रह्मलोक में गई, शिवलोक में गई, स्वर्ग में गई, पाताल में गई और जहां वो आवाज गई वहीं पर जय जयकार हो रही है। हाँ, जय हो जय हो, रही भुवन भरी जय जय बानी। रही भुवन शब्द बतला रहा है, रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनी जात न जानी, मुदित कहे जहाँ तहाँ नर नारी, भंजो राम शंभुधन भारी। सतानंद जी ने आज्ञा दिया, जनक जी इतने आनंद विभोर हैं कि उनको स्मृति ही नहीं रही, कुछ उनको कुछ नहीं याद, कर्तव्या कर्तव्य सब भूल गए। हाँ, फिर सतानंद जी ने संभाला, सतानंद जी ने कहा कि बेटी सीता अब जाओ राम जी को जयमाला पहना। तो सीता गवन राम पही कीना, बड़े 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 धीरे धीरे चल रही है। सीता गवन राम पही कीना, राम जी कैसी चल रही है चाल देखिएगा, बहुत व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगा, एक व्याख्या करूंगा कि गवनी गवनी बाल मराल गति, जैसे हंस चले ऐसे, और ऐसी चाल थी कि महाराज राम जी के जीवन में बस गई है चाल। ये चाल ठाकुर कभी नहीं भूल पाए, कभी नहीं भूल पाए। जब सीता जी ने कहा महाराज हम जंगल चलेंगी, तो कहे हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनिया गवनी बाल मराल गति, सुषमायंग अपार, अकर सरोज जय माल सुहाई। हाथ में माला है, ये माला किसकी है? वाल्मीकि जी ने कमल की माला लिखी है। रघुवंश में एक स्वयंवर के प्रसंग में, इस प्रसंग में नहीं, कालिदास जी ने महुए की माला लिखी है। किसी रामायण में मणियों की माला लिखी है। गोस्वामी जी ने कहा आप क्या कह रहे हो? क्या हमारा तो कुछ नहीं, अपने राय नहीं, अपनी राय नहीं। प्रथम मुनि न हरि की रति गाई, जो पहले लोगों ने कहा वही हम भी कह रहे हैं। तो क्या हमारा कुछ, पहले तो कुछ लोगों ने कहा कुछ काम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कर सरोज जयमाल। जयमाल है कि नहीं है? जयमाला है कि नहीं है? चाहे आप मूंगे की लगा लो, चाहे महुए की लगा लो, अच्छे कमल की लगा लो, जयमाला है। तो मेरे ऐसा कोई ढीठ भक्त गया गोस्वामी जी से पूछा, बाबा बाबा कहे हाँ कि आप हमको बता दो धीरे से कान में माला काहे की थी। तो बाबा कहते मूर्ख वही तो लिखा है, तो क्या वहां तो कुछ नहीं लिखा, वहां तो खाली जयमाला है, क्या तूने पढ़ाई नहीं? कर सरोज क्या है? जयमाल सुहाई, जयमाला है। कहीं जरा कर पर कामा लगा दो, कर पर कामा लगा दो, अर्ध विराम लगा दिया कर पर। अब पढ़ो कर, आगे क्या पढ़ोगे बोलो? सरोज जयमाल सुहाई, कमल की माला थी कि लिख तो दिया। राम जी भगवान के पास पहुंच गई और एकदम चित्र लिखी सी रह गई। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र यवरेखी। सखी ने कहा सखी माला पहना दो, पहिराओ जयमाल सुहाई। मुंह से कहा होगा, मुंह से कहा कि नहीं? पहिराओ कहा नहीं? कहा बूझा, कहा किसी ने मुंह से कहा जाएगी? मुंह से कहा पहिराओ, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया है ना, आनंद नहीं आया। बैठे हुए
महाराज जी को 500 रुपया दे दे, मजा नहीं आया है। धीरे से कह दिया, देखो इधर मेरी बोलो, आप समझेंगे नहीं, कोई देखा नहीं, देने वाले ने देखा और उसने जाके धीरे से रख दिया। मजा आया कि नहीं आया? अरे बाबा मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया तब आया क्या भाया? अब आया तो चतुर सखी, अरे चतुर सखी, चतुरता देखें, चतुर सखी उसने कहा, लेकिन कैसे कहा, लख कहा बुझाई, समझ गए कि नहीं? चतुर सखी ये भी नहीं, ये भी गलत है, चतुर सखी लखी, मैं चौपाई का अर्थ कर रहा हूं, मैं हंसाने का उपक्रम नहीं कर रहा हूं, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराओ जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराय न जाई। चौपाई मेरी बड़ी प्रिय थी, कभी कभी एक एक महीने मैंने इस चौपाई का रोचन किया। कोई बैठा है यहां कोई सुनने वाला, मैं देखिए एक एक महीने, देखो इधर कई हाथ, देखो देख लीजिए कई हाथ उठे यहां, मेरी 50वें वर्ष की श्रोता बैठे हुए महाराज जी, हाँ इसे नहीं, तो इस चौबाई पर लिखे बहन लोग हैं महाराज, अब किशोरी जी थक थक गई होंगी, और मेरे ऐसा निष्ठुर कठोर एक महीने खड़े रखता था, तो हमसे किसी ने पूछा कि आप बहुत कठोर हैं, मुझे कठोर तो मैं हूं, इसलिए किशोरी जी ने हाथ उठाया है, लेकिन मैं जानता हूं किशोरी जी को कष्ट नहीं होता, रही नहीं रही, तो गा वही छवि अवलो की सहेली, संग ध्यान दीजिएगा, गा वही छवि अवलो की सहेली, आप प्रभु बहुत सुंदर हो, लोचना विराम हो, कामा विराम हो, आपने सारे जनकपुर को अपने रूप की जाल में फंसा लिया है, मेरी किशोरी भी फंस चुकी है, हे रघुनंदन आपका वक्षस्थल विशाल है, गीत गा रही है, रटा हुआ गीत नहीं गा रही है, अभी देख गा वही छवि अवलोकी, एक एक स्वरूप देख रही, गीत बन रहा गा रही है, आपका वक्षस्थल विशाल है, उन्नत ललाट है, आदि आदि कहती कहती आप स्वयं इतने लंबे हो कि मेरी छोटी सी किशोरी के हाथ आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, झुक जाओ जरा सा माला ले, भगवान ने करना, गा वही छवि अवलोकी सहेली, सखी ने कहा मालूम पड़ता है आपको घमंड हो गया, हमने आपकी तारीफ कर दी मालूम पड़ता है आपको घमंड हो गया, लेकिन याद रखना कहीं तुम मत कह देना घमंड हो गया, ये कहने की वही अधिकारिणी है, उस अधिकार तक पहुंचने के लिए जन्म बिताना पड़ेगा, हाँ ये सुन करके कहीं तुम मत बनना कि भगवान को हम कह